अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं छोला बनाने जा रही हूँ, बहुत ही स्पेशल छोला। तो यहाँ मैंने 1 किलो छोला लिया है, रात में ही भिगो लिया था और ये अच्छे से फूल गया है। इसमें मैं कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 2 बड़ी इलायची है, कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं और 4 से 5 लौंग है, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी मैंने डाल दिया है। और इसको बंद करके कम से कम 4 सीटी लगाएंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 3 मीडियम साइज़ की प्याज हमने चॉप करके रखी थी इसको डाल देंगे। प्याज ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज देखिए फ्रेंड्स ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक 1.5 चम्मच है, इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जो कि ये हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको डाल देंगे, इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें 3 बड़ी साइज़ के टमाटर हमने प्योरी बना के रखी है इसकी, ये डाल देंगे। साथ में नमक ऐड करेंगे, नमक हमने छोले में भी डाला था इसलिए हिसाब से डालेंगे। और हम इसमें 1/2 चम्मच खटाई आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें वरना स्किप कर दें। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। यहाँ हम 1.5 चम्मच छोला मसाला पाउडर डाल रहे हैं और इधर हमारे कुकर में भी 4 सीटी आ गई थी छोले में, तो इसको हम बंद कर दिए हैं और प्रेशर भी निकल गया है। तो अब हम इसको खोल करके चेक करेंगे। ये देखिए छोला अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसको, मसाला भी हमारा अच्छे से भून गया है, तो अब हम इसको मसाले में डालेंगे। छोले को मसाले के साथ 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद फिर वापस से हम इसको कुकर में ही डालेंगे। कुकर में डालकर 1 सीटी लगाएंगे। ये देखिए हमने कुकर में डाल लिया है और हमने थोड़ा सा बचा लिया है, इसको हम मेश करके डालेंगे। इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। इसको इस तरह से हम मेश कर लेंगे। अब इसको भी हम कुकर में डाल देंगे और जो छोले का पानी था वो वही पानी हम इसमें ऐड करेंगे। 2 गिलास हमने इसमें ऐड किया है और हमने फ्रेंड्स चाय की पत्ती 2 चम्मच उबाल के रखी थी उसका पानी हम ऐड करेंगे। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको बंद करके, कुकर को का ढक्कन बंद करके 1 सीटी लगाएंगे ताकि मसाला और चना अच्छे से एक जज्ब हो जाए चने में। सीटी आ गई है फ्रेंड्स। अब हम इसको बंद कर दे रहे हैं गैस को। ये देखिए हमारा छोला रेडी है, बहुत ही टेस्टी। आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। छोला रेडी है, ये देखिए यहाँ सब लोग नाश्ता करने बैठे हैं। सब लोग नाश्ता करने बैठे हैं यहाँ। मेरी मनाल भी बैठी है नाश्ता करने। मनाल अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इधर 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 इधर
बशीर।